हेलो सर, सर एक इमरजेंसी है सर। सर जल्दी से ना एक कैमरामैन भेज दीजिए प्लीज़ सर। सर अभी अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है कि कोई नेता का बेटा था और किसी को ठोक के चला गया। सर जल्दी भेजिए सर, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सर वो तो रूलिंग पार्टी से है, पर सर आप पार्टी का क्यों पूछ रहे? अरे सर हमको पार्टी से क्या मतलब, हमको तो न्यूज़ कवर करना है ना सर। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। संदीप डू यू नो, हम पिछले 2 साल से TRP में नंबर 1 थे, लेकिन अभी 2 साल से हम नंबर 2 पर है। पता है क्यों? सर आई थिंक हम ना सही समाचार पर फोकस नहीं कर रहे और हम लोग फालतू न्यूज़ दिखा रहे, इसलिए नंबर 2 पर है। अगर हम सही सही न्यूज़ दिखाते ना तो टॉप 10 में भी नहीं आते। बट सर हम लोग TRP की जगह क्वालिटी न्यूज़ पर भी फोकस कर सकते हैं ना। संदीप डू यू नो, हमने पिछले महीने पूरे 10 इम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाला था। पता है क्यों? आई डोंट नो सर, क्योंकि वो ना क्वालिटी न्यूज़ पर फोकस कर रहे थे और हमको चाहिए मसाला न्यूज़। सचिन और सीमा का इंटरव्यू, लप्पू से सचिन वाले आंटी का इंटरव्यू, वी डोंट वांट क्वालिटी न्यूज़ बिकॉज इट अफेक्ट TRP। डू यू नो कि हमने आपको 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद ही क्यों जॉब पर लगा लिया? बिकॉज आई नो यू आर अ गुड हार्ड वर्किंग बॉय एंड यू कैन बी अ गुड एंटरटेनर, सो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन एक्टिंग एंड कॉमेडी। आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन एक्टिंग क्लास, ओके? डू यू अंडरस्टैंड? तो सर क्या अब मैं एक्टिंग क्लास जाऊँ? यस संदीप, तुमको कल से एक्टिंग क्लास जाना होगा और उससे पहले तुम जाओगे सचिन के घर पर, वो उसकी पड़ोस वाली आंटी का इंटरव्यू लेने। ओके सर, आई विल थिंक। यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं मेरी जॉब छोड़ दूँ। आर यू मैड और व्हाट? अरे नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ यार। वो लोग मुझे एक्टिंग क्लास के लिए भेज रहे हैं और मैं ना न्यूज़ पढ़ सकता हूँ। आई कांट रीड स्क्रिप्ट। पर भाई एक सच तो ये भी है कि तेरे चैनल वाले भी चाहते हैं कि वो TRP में नंबर 1 बने, जिससे उनको बड़े बड़े ब्रांड के एड मिले और वो ज़्यादा पैसा कमा सके, और उसके लिए चाहिए उनको मसाला न्यूज़, जैसे कि लप्पू से सचिन वाली आंटी का इंटरव्यू, सचिन और सीमा का इंटरव्यू। रियल न्यूज़ दिखाने से ये सब नहीं मिलता है, वो तो तेरे को पता ही है। तो बस इसीलिए वो सच न्यूज़ नहीं दिखाते और मसाला न्यूज़ दिखाते हैं, सिंपल। पर ऐसा भी नहीं है यार कि कोई सच देखना नहीं चाहता। सच तो यह है कि हमको सच दिखाया ही नहीं जाता, हमेशा एक लेफ्ट विंग वाले को राइट विंग के अगेंस्ट कॉन्टेंट दिखा जाता है, और सेम गोज़ विद राइट विंग। तो बस एक दूसरे के खिलाफ कंटेंट देखो और इन सब के बीच में रियलनेस कोई देख ही नहीं पाता। हम सब बस लेफ्ट वर्सेस राइट करते जाते और रियलनेस की माँ बहन हो जाती और फिर जीत जाता है ऐसा मीडिया और उनको मिल जाते TRP। गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है।